नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। खबर यूपी के गाजीपुर से है, जहां बाइक सवार लुटेरों को पुलिस ने गोली मारी है। दो बदमाश इस दौरान घायल हो गए हैं। सीएम योगी के कड़े तेवर से रूबरू गाजीपुर पुलिस ने अपने हौसले को बुलंद करते हुए मंगलवार की दोपहर में बाइक छिनैती कर भाग रहे अपराधियों को गोली मारकर पकड़ लिया। पुलिस के इस कारनामे की चर्चा जिले में चोरों पर है। वहीं पुलिस अगर पहले ही अपने रंग में आ जाती तो जिले में आपराधिक घटनाएं नहीं बढ़ी होती। प्राप्त जानकारी के अनुसार सादात थाना क्षेत्र के बराव कला निवासी सोनू राजभर अपनी बहन नीलू राजभर को सुबह जौनपुर छोड़ने गए थे। दोपहर में वापस आ रहे थे, तभी सैदपुर थाना के पिपरार गांव के नहर के समीप तीन बदमाशों ने अकेला सोनू राजभर को घेर लिया और कट्टे की बट से सिर पर प्रहार कर, जिससे सोनू बाइक से गिर गया और बाइक लेकर अपराधी भागने लगे। इस घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने चारों तरफ नाकाबंदी कर दी। तभी हसनपुर डगरा बगैर मार्ग पर पुलिस को तीन बदमाश एक बाइक पर आते दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो वह आक्रामक मुद्रा में आ गए। तब पुलिस ने आत्मरक्षा हेतु गोली चलाई, जिसमें रजत निवासी उचुआ थाना तरवा जिला आजमगढ़ व विकास सिंह बलिया को पैर में गोली लगी और घायल होकर वहीं गिर गए। शिवम सिंह बहरियाबाद पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। घायलों का इलाज सैदपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हो रहा है। वहीं गाजीपुर के एसपी डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने घायल बदमाशों का अलग अलग से पूछताछ किया, वहीं मौके पर जाकर घटनास्थल का भी निरीक्षण किया। आप देख रहे हैं गाजीपुर से महताब आलम की रिपोर्ट। आज सादात थाने पर दिन में लगभग 12 बजे सेचू राजभर ने सूचना दी कि वो जौनपुर से अपने गांव बरवा कला थाना सादात लौट रहे थे। उस समय पिपनार गांव के पास नहर के पास जैसे ही वो आए, समय लगभग 10:15 बजे, उस समय मोटरसाइकिल पर आए तीन बदमाशों ने उनको रोका और बलपूर्वक उनकी मोटरसाइकिल छीन ली। ये सूचना, यद्यपि 50 मिनट देर हो चुकी थी सूचना मिलने में, लेकिन उसके बावजूद पूरे जनपद में रेंज और जोन में इसकी चेकिंग कराई गई। इंस्पेक्टर सैदपुर, इंस्पेक्टर खानपुर, सादात और अन्य जो निकटवर्ती थाने थे, उन्होंने सघन चेकिंग आरंभ की। इस चेकिंग के दौरान हसनपुर बैरुआ मार्ग पर इंस्पेक्टर सैदपुर और हमराही बल को एक संदिग्ध मोटरसाइकिल आती हुई दिखाई दी, जिसको रोकने का प्रयास किया गया, जिस पर सवार तीन लोगों में से मोटरसाइकिल छोड़कर वो सवार खाई की ओर भागे। इंस्पेक्टर सैदपुर और उनकी टीम ने साहसपूर्वक उनको चेज किया, उन्हें चार्ज किया रुकने के लिए। उन्होंने पुलिस बल पर फायरिंग की, जवाबी फायरिंग में पुलिस ने आत्मरक्षा फायरिंग की, नियंत्रित फायरिंग की। इसमें दो बदमाश घायल हो गए हैं, जिन्हें चिकित्सा के लिए सामुदायिक केंद्र भेजा गया है। एक बदमाश भाग गया है, जिसके लिए पूरा पुलिस बल इस क्षेत्र में लगा हुआ है कॉम्बिंग के लिए। अग्रिम पूछताछ के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, नाम उनका? अभी नाम पुष्ट नहीं है, पूछताछ पर मालूम पड़ेंगे। पहली आवश्यकता थी उन्हें चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने की, इसलिए उन्हें भेज दिया गया है इलाज के लिए, और नाम जल्दी घोषित किए जाएंगे, उनके पूछ के बताए जाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।